कल्ट कंपनी ने एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है कल्ट ग्लैडिएटर के नाम से। इससे पहले कल्ट बियॉन्ड लॉन्च किया था इस कंपनी ने और अब लेकर आई है कल्ट ग्लैडिएटर। 24 सितंबर से आप ये फ़ोन अमेजोन से ले सकते हो और जो इस फ़ोन का प्राइस है वो है 6999। इसमें आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तो प्राइस तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस फ़ोन का। Redmi 4 का जो 2GB वाला मॉडल है वो भी आपको 6999 में मिलता है। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या कल्ट ग्लैडिएटर Redmi 4 की जगह ले पाएगा। पॉइंट्स में हम कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन एंड बिल्ड। Redmi 4 और कल्ट ग्लैडिएटर दोनों ही मेटल बिल्ड के साथ आते हैं और डिज़ाइन भी दोनों का बढ़िया है, तो यहाँ दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है डिज़ाइन एंड बिल्ड के मामले में। सेकंड पॉइंट आता है डिस्प्ले। Redmi 4 में आपको 5 इंच स्क्रीन साइज मिलता है HD IPS 720p डिस्प्ले के साथ और कल्ट ग्लैडिएटर आता है 5.5 इंच स्क्रीन साइज के साथ डिस्प्ले। इसमें भी आपको HD IPS 720p दिया गया है और 2.5D कर्व ग्लास आपको दोनों में ही मिलता है। अब दोनों में ही 720p डिस्प्ले मिलता है लेकिन Redmi 4 में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि Redmi 4 का स्क्रीन साइज़ है 5 इंच, जिसकी वजह से 720p में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5.5 इंच में मेरे अकॉर्डिंग कम से कम फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए। तो यह डिस्प्ले के मामले में Redmi 4 को एक पॉइंट मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है कैमरा, जो कि कल्ट ग्लैडिएटर का सबसे हाईलाइटेड फीचर है। Redmi 4 में आपको 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ और फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल। और कल्ट ग्लैडिएटर की मैं बात करूं तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके साथ साथ फ्रंट पे भी आपको LED फ्लैश दी गई है इसमें। अब यहाँ कल्ट ग्लैडिएटर को एक पॉइंट मिलता है बिकॉज ऑफ फ्रंट फेसिंग फ्लैश लाइट। फोर्थ पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। Redmi 4 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 मिलता है ऑक्टाकोर CPU और एड्रीनो 505 GPU के साथ। कल्ट ग्लैडिएटर की मैं बात करूं तो इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है MT6737 क्वाडकोर CPU और Mali-T720p GPU के साथ। तो परफॉर्मेंस आपको Redmi 4 में ही बेस्ट मिलने वाली है। कल्ट ग्लैडिएटर में अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी इसमें। तो परफॉर्मेंस के मामले में Redmi 4 को ये पॉइंट जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टोरेज। अब मैं यहाँ रैम या इंटरनल स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको क्या ऑप्शंस मिलती हैं स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए। Redmi 4 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, या तो आप ड्यूल सिम लगा सकते हो या एक सिम में HD कार्ड। और कल्ट ग्लैडिएटर में आपको माइक्रो HD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, इसमें आप ड्यूल सिम के साथ HD कार्ड भी लगा सकते हो। तो ये पॉइंट जाता है कल्ट ग्लैडिएटर के पास। बस यही 5 पॉइंट थे। कल्ट ग्लैडिएटर लेने के आपके पास 2 ही रीज़न हैं, एक तो है कैमरा क्योंकि उसमें आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैश मिलती है और दूसरा है माइक्रो HD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट। मैं आपको यही कहूँगा अगर आपका बिल्कुल ही नॉर्मल यूज़ है, सिर्फ WhatsApp, Facebook और कॉलिंग आप करते हो, ऐसे में आप ये कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज Redmi 4 बेस्ट है, उसी में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। आप बताओ मुझे कमेंट करके आपको इनमें से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।